बात समझ में ये है, जो इस देश में जन्मा है रहता है वो सब हिंदू है। ये पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आप भी बताइए, आप लोग, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये बताइए आपको किसी प्रकार का भय है? ऐसा कोई भय है कि कोई पीछे से आएगा और मशीन गन से सनसनाते हुए चला जाएगा? ऐसा कोई भय है आपको? कोई भय नहीं ना है? क्यों नहीं है भय? क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं रहेगा तब क्या होगा? जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बदल रहा, बिगड़ रहा है आबादी, तक हमारे देश में लोकतंत्र क्यों है? इसलिए लोग लंबा समय हो गया। नहीं नहीं सुनिए, लोकतंत्र इसलिए है कि हम हिंदू आबादी बहुलता में तबे लोकतंत्र है। जिस दिन हिंदू यहाँ कम हो जाएंगे लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तब क्या होगा? आप तो मतलब ठीक है, सवाल आप कर लीजिए, लेकिन आप सोचिए आपके बच्चे, आपके नाती परनाती क्या करेंगे? इसलिए इस देश में लोकतंत्र को रखना है तो नहीं आबादी नहीं बढ़ाना है, समान नागरिक संहिता लागू करना है, एक कानून, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करना है।